इस मंत्र को ऋग्वेद यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति के लिए लिखा गया है। और क्या आपको मालूम है इसका पहला जाप ऋषि मार्कंडेय जी ने किया था। किस मंत्र की बात कर रही हूँ? सावन के महीने में। देखिए आज का ब्लॉग। इस मंत्र के विषय में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप रोज करता है वो व्यक्ति अकाल मृत्यु, दुर्घटना या मृत्यु के डर या मृत्यु के पास जाकर भी, उसके निकट पहुंचकर भी उससे विजय पाता है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइट विद माला। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। मेरा नाम माला है, मैं रेकी थर्ड डिग्री प्रैक्टिशनर हूँ, साथ में सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच और एंजल थेरेपिस्ट भी हूँ। हमारे चैनल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अपनी एफर्मेशंस को करते हैं पूरे, अपने सपनों को करते हैं बिल्कुल बिल्कुल से पूरे, और साथ में रहती है स्पिरिचुअलिटी और मंत्रा चैंटिंग से जुड़ी बातें। तो अगर आप सबको ये विषय वस्तु पसंद है तो करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए इस ब्लेस्ड फैमिली से। सावन का महीना चल रहा है, बस अभी अभी ये जो है किसी किसी कम्युनिटी में खत्म हो गया है, किसी में एक सोमवारी बाकी है। तो मैंने सोचा, बहुत दिनों से हमारे चैनल में हम लोगों ने मंत्रा चैंटिंग नहीं की है, तो इस मंथ में जरूर से करेंगे हम लोग इस विशेष स्तुति या विशेष महामंत्र का उच्चारण। तो क्या है ये मंत्र? जी हाँ, ये मंत्र जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र है। ये है महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय मंत्र के बेनिफिट्स भी मैं बताऊंगी, और एक अचूक तरीके से मंत्र का जाप अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, वो टिप भी मैं आपसे एंड में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इस मंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र को मैं आप सबके सामने 3 बार इसका जाप करूंगी। स्फटिक की माला से भी आप कर सकते हैं, जो लोग जपमाला से 108 बार करेंगे, नहीं तो रुद्राक्ष की माला, ठीक है। और जप माला कैसे करके करना है आप सबको मालूम है, लेकिन बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जो है सब्सक्राइबर फैमिली मेरे साथ जुड़ती जा रही है, तो यहाँ पे मैं जप माला के डूज एंड डोंट्स रूल्स क्या है वो वाला भी ब्लॉग का लिंक दे दूंगी, और वीडियो के एंड में रहेगा तो आप लोग जरूर से वो देख लीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं ये मंत्र जाप, और इसका मैं इसके बाद मीनिंग भी बताऊंगी। एज आई ऑलवेज से इन ऑल माई मंत्रा चांटिंग वीडियोस कि मीनिंग जानना बहुत जरूरी है किसी मंत्र का, तो आप उसकी वाइब्रेशंस को और ज्यादा क्लोजली अपने अंदर महसूस कर सकते हैं और आप उसको और ज्यादा उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, जो लोग जहां बैठे हैं बस फोल्ड योर हैंड्स एंड टेक फ्यू डीप ब्रीदिंग्स। अपना जो ध्यान है वो थर्ड आई चक्र में ले जाइए। मुद्रा कोई भी हो, गाशो मुद्रा भी कर सकते हैं। मैंने भोले बाबा को आप सबके लिए हाथ में पकड़ा है इसलिए मैं गाशो मुद्रा नहीं कर रही हूं, आप नमस्ते की मुद्रा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महामृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है, हम उस त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं जो अपनी शक्ति से इस संसार का पालन पोषण करते हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे और हमें मोक्ष प्रदान करे। जिस प्रकार से एक ककड़ी अपने बेल से पक जाने के पश्चात स्वतः की आजाद होकर जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार हमें भी इस बेल रूपी सांसारिक जीवन से, जन्म मृत्यु के सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करें। तो अब तक आप लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र सुन लिया, उसका अर्थ जान लिया, अब जान लेते हैं इस मंत्र के उच्चारण से क्या क्या लाभ होते हैं। एज द नेम सेज महामृत्युंजय, सो मृत्यु से भय या अकाल मृत्यु या दुर्घटना, इन सब पर जो है मनुष्य विजय पाता है अगर आप नियमित रूप से इसका जप करेंगे। ये मंत्र का उच्चारण जो है
बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको बिल्कुल दूर रखेगा, अच्छी सेहत पाएंगे और लंबी आयु या दीर्घायु भी इससे मिलती है। ये मंत्र ना केवल आपको अच्छी सेहत, लंबी आयु या अकाल मृत्यु के डर से दूर रखता है, बल्कि आपको धन, वैभव, संपत्ति भी देता है। जो मनुष्य, जो लोग इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं, भोले बाबा की असीम कृपा उन पर होती है। इस मंत्र के जाप से अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स या कार्य क्षेत्र में नेगेटिविटी या लोगों की गॉसिप्स का शिकार हो रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। तो इस मंत्र का उच्चारण इस क्षेत्र में भी बहुत लाभदायक है। अब आ जाते हैं उस गोल्डन टिप के बारे में जो कि मैं आपको बोलने वाली हूँ, हाउ टू मेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस पावरफुल महामंत्र, दैट इज महामृत्युंजय मंत्र। आप क्या करेंगे, जिनको ऐसे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है और फैमिली जो है चिंता करती है, या कोई भी इसको ऐसे अपने लिए यूज कर सकता है, आपने इस मंत्र को एक व्हाइट पेपर में विद रेड पेन लिख लेना है। और जब भी आप जाप करने बैठेंगे, या अभी सावन का मंडे आएगा, मेरा ये व्लॉग तो आप लोग संडे देख पाएंगे, मंडे सुबह नहा धोकर सफेद पेपर में इस मंत्र को रेड से लिखकर उस पर्सन का नाम उसके ऊपर लिखकर एंड देन यू फोल्ड इट थ्राइस इनवर्ड्स अपनी ओर और उसको भगवान शिव के सामने या अपने मंदिर में रखकर इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करिए। उसके बाद उसको पूरा दिन, पूरा रात, ओवरनाइट वहीं रहने दीजिए। मंगलवार के दिन या फिर जिस दिन भी आप कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे में आपने ये जो फोल्डेड एनर्जाइज्ड मंत्र की जो चिट है वो हमेशा अपने पास रखिए। वेन एवर यू आर गोइंग आउट, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, इट इज मिराक्युलसली एनर्जाइज्ड फॉर यू। तो इस तरीके से इस मंत्र का लाभ उठाइए। आई होप आज के व्लॉग में जो ये मंत्रा चांटिंग हुई, इसका अर्थ हुआ, इसके बेनिफिट्स हुए, ये सब आपको अच्छा लगा है। तो इस सावन सोमवारी को आप लोग जो भी कुछ रिचुअल्स करेंगे साथ में ये मंत्रा चांटिंग जरूर से करिए। नॉट ओनली सावन सोमवारी, हर दिन करिए। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग दीजिए मेरे इस वीडियो को भरपूर प्यार, दैट इज लाइक, इस लिंक को करिए अपनों में शेयर। और व्यूअर्स, आप लोग जो ऐसे ही देख रहे हो, करिए सब्सक्राइब। तो अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा, मिलूंगी अगले ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कोई बात लेकर। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला, खुश रहिए।